नमस्कार, आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ छवि। आइए रुक करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। नानौंद के जीन रोड पर स्थित टैगोर सीनियर सेकेंडरी स्कूल में कृष्णा वेलफेयर एंड चैरिटेबल ट्रस्ट की ओर से सीईटी बेस्ड प्रतियोगी परीक्षा करवाई गई, जिसमें सैकड़ों बच्चों ने भाग लिया। परीक्षा में प्रथम, द्वितीय और तृतीय स्थान पर आने वाले प्रतिभागियों को इनाम देकर सम्मानित भी किया गया। आयोजक विनोद कुमार ने कहा कि हरियाणा सरकार की ओर से दोबारा सीईटी की परीक्षा ली जाएगी। उस परीक्षा से पहले बच्चों को अपनी तैयारी का आकलन करने का मौका मिले, इसलिए ये परीक्षा ली गई है, जिससे क्षेत्र में बच्चों में कंपटीशन की भावना पैदा होगी और शिक्षा का स्तर भी ऊंचा उठेगा। इसलिए इस परीक्षा का आयोजन किया गया है ताकि हमारे क्षेत्र से ज़्यादा रुझान बच्चों का शिक्षा की तरफ हो। ऐसी परीक्षाओं से बच्चों में जो परीक्षा के प्रति भय भावना होती है वो भी दूर होती है और मुख्य परीक्षा में बच्चे अच्छे अंक ला पाते हैं। इसके साथ ही बच्चों पर दबाव कम होता है। उन्होंने कहा कि ये परीक्षा निःशुल्क करवाई गई है। उन्होंने कहा कि प्रथम स्थान पर आने वाले प्रतिभागी को 3100, द्वितीय स्थान पर आने वाले को 2100, तृतीय स्थान हासिल करने वाले को 1100 प्रोत्साहन की राशि दी जाएगी और इसके अलावा जो 20 विद्यार्थी टॉप में रहेंगे उनको 500 प्रोत्साहन की राशि दी जाएगी। इस प्रतियोगी परीक्षा का रिजल्ट आज ही सुना दिया जाएगा। अध्यापक राम मेहर जांगड़ा ने ये कहा है कि ये परीक्षा कृष्णा चैरिटेबल ट्रस्ट की ओर से आयोजित की गई है। यहाँ सीईटी बेस परीक्षा ली गई है। जिस तरह से हरियाणा एचएससी परीक्षा लेता है, उसी बेस पर परीक्षा आयोजित की गई है। इससे बच्चों को ये फायदा होगा कि उन्हें इस परीक्षा से अनुभव प्राप्त होगा और उस अनुभव का वो मूल परीक्षा में फायदा उठा सकेंगे। जो बच्चे प्रथम, द्वितीय और तृतीय स्थान पर आए हैं उनको सम्मानित किया जाएगा और उसके बाद भी कुछ बच्चों को प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। नानौंद से हमारे संवाददाता दीपक गिरधर की रिपोर्ट। जो कृष्णा वेलफेयर एंड चैरिटेबल ट्रस्ट द्वारा हरियाणा जो सरकार सीईटी बेस की परीक्षा लेगी, उस परीक्षा के लिए बच्चों को मुख्य परीक्षा से पहले बच्चों की तैयारी का आंकलन करने के लिए ये परीक्षा ली गई है और अपने विशेषकर नानौंद क्षेत्र में बच्चों में कंपटीशन की भावना पैदा करने लिए और शिक्षा के स्तर को ऊंचा उठाने के लिए इन परीक्षाओं का आयोजन किया गया, ताकि हमारे क्षेत्र से ज़्यादा बच्चों का रुझान शिक्षा की ओर और समाज में तरक्की प्राप्त कर सके, इस आयोजन किया गया। और परीक्षा का भय होता है, उस दबाव को भी कम करने के लिए परीक्षा ली गई। परीक्षा में बच्चों से कोई शुल्क नहीं लिया गया और कृष्णा वेलफेयर एंड चैरिटेबल ट्रस्ट द्वारा बच्चों को फर्स्ट जो पोजीशन आएगी उसको 3100 रुपये, सेकेंड को 2100 रुपये और थर्ड को 1100 रुपये, फोर्थ को 700 रुपये और अगले 20 विद्यार्थियों को 500 रुपये का प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। कब तक रिजल्ट आएगा? आज परीक्षा समाप्त होने के आधा घंटे बाद ही बच्चों को ओएमआर शीट प्रदान कर दी जाएगी और उनका रिजल्ट बता दिया जाएगा। ये परीक्षा कृष्णा चैरिटेबल ट्रस्ट द्वारा आयोजित की गई है, जो कि सीईटी बेस्ड है, जो कि अब हरियाणा एचएससी परीक्षा लेता है, उसके बेस पर यह परीक्षा आयोजित की गई है। इसका फ़ायदा ये होगा कि इससे बच्चे एक अनुभव प्राप्त करेंगे, जिस अनुभव का उपयोग वो जो मूल परीक्षा होगी एचएससी की उसमें इन बच्चों को लाभ मिलेगा। नहीं, इसकी फीस नहीं ली गई है, बिल्कुल निःशुल्क है। हाँ जी, तो सम्मानित किया जाएगा जो बच्चे प्रथम, द्वितीय और तृतीय स्थान पर रहेंगे और उसके बाद भी कुछ पारितोष दिया जाएगा जो बच्चे 20वें स्थान तक रहेंगे। हमारे फेसबुक पेज को लाइक, फॉलो और शेयर करें। साथ ही यूट्यूब चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ताज़ा खबरों के लिए बेल आइकॉन को दबाना न भूलें।